गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह। आई एम अ न्यू इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर लर्निंग क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर। ड्यू टू कोविड कोरोना वायरस, नो वन स्टूडेंट कम टू स्कूल एंड अटेंड द क्लास। सी द प्रॉब्लम। सक्सेस किड एकेडमी स्टार्टिंग अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। वी आर प्रोवाइडिंग यू अ लिंक एंड यू आर रिसीविंग इट एंड अटेंड द क्लासेस और एज योर सब्जेक्ट वाइज। इफ यू हैव अ बुक देन यू आर इजीली अंडरस्टैंडिंग द activities, but if you do not have a book then you are not understanding the activities and videos. So please as quick as buy your book from your school. Okay, let's start today's class. Today we learn first chapter of English grammar. First chapter, the nouns. Fear knows the part of speech. Okay, what is part of speech? Part of speech are the classes into which the words of language are divided according to their use. Part of speech वो classes हैं, उन उस classes को बोलते हैं part of speech, जिन which words of a language, जिसमें language के words को divide किया गया उनके use के हिसाब से, जिस हिसाब से uses होते हैं उस हिसाब से उन्हें divide कर दिया गया है। जैसे noun का use अलग है, subject का use अलग है, तो वहाँ noun हो जाता है, pronoun का अलग use है, वर्ब का अलग यूज़ है, उसके यूजर्स के हिसाब से उन्हें डिवाइड कर दिया गया है और जैसे लैंग्वेज उसका यूज़ किया जाता है उनके हिसाब से। जैसे ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। इंग्लिश लैंग्वेज में सभी वर्ड्स को कितने भाग बांटा गया है? 8। इन आठों को एक साथ बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इट 8 क्लासेस को ही बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन आवर इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, what they are: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay, there are 8 part of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. We will study in this chapter noun. First part of speech, noun. In this chapter we are learning only noun. Okay, other 7 parts of speech is studied in the following chapter, on the chapter. Okay, let's start first chapter. The everyone know the part is part of speech. The part of speech are classes. What are part of speech? Part of speech are classes into which words of language are divided according to their use. Part of speech क्या है? वो एक classes हैं, 8 classes को part of speech बोलते हैं, जिसको उनके use के हिसाब से language में use according के use के हिसाब से उन्हें divide किया गया है, उनके uses के हिसाब से उन्हें grammar में divide किया गया है। और वो ऑल द वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिवाइडेड 8 क्लासेस। पूरे वर्ड स्पीच को कितने भाग बांटा गया है? 8। वो आठों कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, बाकी अदर वर्ड स्पीच को हम पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में, अदर चैप्टर में। ओके, लेट स्टार्ट नाउन। डेफिनेशन ऑफ नाउन, व्हाट इज नाउन? हम लोग पहले क्लास 3 से लेकर और 3, 4, 5, 6, 7 तक हम लोग यही पढ़ गए हैं। क्या noun is the name of word, which noun is the naming word, noun is the name of word, person, place or thing, same thing। definition kya hai? Noun is a word। kya definition? Noun is a word, wo ek word hai which is used to name a thing, person or place, noun। name of a person, noun। name of a thing, noun। name of a idea, noun। matlab ki noun kya hai? Noun ek word hai jo use hota hai kisi ke naam, किसी की थिंग का नाम नाउन है, किसी पर्सन का नाम नाउन है, किसी प्लेस का नाम नाउन, या किसी आइडिया का नाम नाउन। जैसे नाउन थिंग में एग्जांपल क्या है? थिंग में दो तरह होते हैं। थिंग में कौन कौन से हैं? अब देखो नाउन के, देखो थिंग में देखो तीन पद दिया है, थिंग, पर्सन, प्लेस, आइडिया। नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ आइडिया। थिंग में दो चीज़ होते हैं, लिविंग थिंग भी होते हैं, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में कौन? काउ, स्नेक, प्लांट, ये सब क्या है? नाउन है। नॉन लिविंग थिंग में बुक, बोट, मिल्क, गोल्ड, गीता, ये सब नाउन है। ये क्या है? थिंग्स हैं। थिंग को भी दो भाग डिवाइड किया, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। अब पर्सन में बॉय, सिस्टर, फादर, मदर, ब्रदर, रोहित, किसी का नाम, ये सब क्या है? नाउन। प्लेस, हाउस, सिटी, विलेज, कंट्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या दिल्ली, ये सब क्या है? प्लेस। आइडिया, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, ब्यूटी, स्वीटनेस, ये सब क्या है? नाउन। एवरीथिंग आर नाउन। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस,
thing or idea. Special note, noun is also known as the naming word. Noun is a naming word. It can be name of anything you can think of. Noun, किसी का भी नाम क्या होता है? Noun हो सकता है. Okay? तो यह special note याद रखिएगा. Noun क्या है? किसी का भी नाम, naming word. Noun क्या बोलाता है? Naming word बोलाता है. It can be name anything you can think of. जो भी तुम सोचो, नाम क्या है? Noun हो सकता है. अब आते हैं काउंट्स ऑफ नाउन. नाउन के कितने प्रकार हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं नाउन. देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन. हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के नाउन पढ़ते हैं? फाइव काइंड्स. व्हाट आर द नेम्स? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउन्स आर फाइव काइंड्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डेफिनेशन इज ऑफ नाउन, एग्जाम्पल विथ फिलो. अब देखो, इन इंग्लिश ग्रामर में नाउन को कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है, डिफाइन किया गया है. देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन. व्हाट दे आर? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फर्स्ट वी आर ऑन कॉमन नाउन. व्हाट आर कॉमन नाउन? द कॉमन नेम, कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट कैन रेफर टू एनी मेम्बर ऑफ अ क्लास ऑफ सिमिलर थिंग्स. मतलब क्या, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज अ वर्ड. वो एक ऐसा वर्ड है दैट की कैन रेफर टू एनी मेम्बर, कोई भी मेम्बर ऑफ क्लास ऑफ सिमिलर थिंग. सिमिलर थिंग का जैसे क्या, मतलब जैसे कोई भी कैटेगरी में कॉमन हो जो, जैसे कंट्री. अब कंट्री क्या है? सब इंडिया भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया भी कंट्री, सब सिमिलर, सब में वो क्या है? कॉमन है. तो कॉमन नाउन जैसे कॉमन होता है ना, कोई हर चीज़ में कॉमन हो, सब में हो, तो ऐसी चीज़ कॉमन हो. वो कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट एनी मेम्बर ऑफ अ क्लास ऑफ अ सिमिलर थिंग, सेम हो, ठीक, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल बॉय. देखो बॉय कॉमन है. बुक, कैट, चेयर, नाइफ, ये सब क्या है? कॉमन है. बॉय कैन बी यूज एनी अदर बॉयज, वर्ल्ड में कोई भी बॉय हो सकता है. सो कैन बी यूज वर्ड बॉय एनी बुक इन द वर्ल्ड. तो बॉय, बुक, ये सब क्या है? कॉमन है. जो क्या हो, सब में कॉमन हो, इसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. इसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. यूज सेंटेंस, किंग वॉज अ क्राउन, किंग वियर्स अ क्राउन. अब किंग क्या है? देखो किंग आपका कॉमन नाउन है. कोई भी राजा हो सकता है ना वर्ल्ड में, तो कॉमन सब में हो. क्राउन, अब क्राउन सॉरी कोई भी हो सकता है. गर्ल इज माई सिस्टर, तो सिस्टर भी किसी को हो सकती है. तो कॉमन है, सब क्या है? किंग, क्राउन, गर्ल, सब क्या है? कॉमन नाउन. जो कॉमन हो, सिमिलर हो ना, बहुत सारे राजा होते हैं, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, बहुत सारे बुक्स होती हैं, बहुत सारे क्राउन्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टर होती हैं, तो जो सिमिलर हो और बहुत सारे हो, इसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. ओके, तो जी कॉमन नाउन इज नेम ऑफ सिमिलर क्लास ऑफ थिंग, सिमिलर क्लास ऑफ थिंग. ओके, जो सिमिलर हो. एंड प्रॉपर क्या है? प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. वर्ड थिंग इंक्लूड इंस्टीट्यूशन, अ बुक, माउंटेन, ये सब. प्रॉपर नाउन इसके दोनों में देखो, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है? कॉमन नाउन क्या है? कोई भी कॉमन हो, कॉमन नेम ऑफ या सिमिलर टाइप ऑफ नेम ऑफ थिंग. और इसमें क्या है? पार्टिकुलर, पार्टिकुलर नेम ऑफ. प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जो पार्टिकुलर प्लेस है, पार्टिकुलर पर्सन है, पार्टिकुलर थिंग है. जैसे बॉय, बॉय तो सब है, तो क्या होगा? कॉमन नाउन. बॉय वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, मगर जो एक बॉय, किसी का नाम हम यदि बोल रहे हैं रोहित, तो वो क्या हो जाएगा? किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, बस ओनली रोहित को, सभी लड़के को नहीं, ओनली रोहित. ठीक, देन रोहित इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक, सेम पर्सन, पर्सन तो हो गया. अब पार्टिकुलर प्लेस, जैसे कंट्री. अब कंट्री बहुत सारी हो गई, इंडिया भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया भी कंट्री, सब कंट्री. तब इंडिया हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. मगर कंट्री क्या होगा? कॉमन नाउन. समझ आ रहा है? जो सब में सिमिलर है वो क्या होगा? कॉमन. और जब किसी का एक नाम डिडेंटिफाई कर दें तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. ठीक, ओके. अब आते हैं लिस्ट. ठीक, अब आते हैं प्रॉपर नाउन हो गया. एग्जांपल ऐसे क्या है? इंस्टीट्यूशन, जैसे इंस्टीट्यूशन,
अ बुक, अ रिवर, अ सी, अ माउंटेन, ना ये सब क्या है प्रॉपर नाउन, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन अ बुक रिवर इंक्लूडिंग लिखते तब द वर्ड द थिंग्स इंक्लूड एन इंस्टीट्यूशन अ बुक अ रिवर अ सी अ माउंटेन जो पार्टिकुलर हो समझा ना उसको प्रॉब्लम होता है। जैसे इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं मगर जब किसी इंस्टीट्यूशन का नाम ले लें हॉगवर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ना ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ये सब क्या हो जाएंगी प्रॉपर नाउन। अ बुक, बुक तो बहुत सारी हैं जैसे किसी फेमस राइटर की बुक्स बोल दूँ तो वो क्या हो जाएगा जैसे विलियम शेक्सपियर की बुक या कोई अलग बुक बोल दूँ तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। रिवर बहुत सारी हैं गंगा जब बोल दूँ तो गंगा रिवर तो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अ सी, समुद्र बहुत सारे हैं अरबियन सी अनर सी बोल दें तब क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। माउंटेन बहुत सारे हैं हिमालय माउंटेन ना तो हो जाएगा क्या प्रॉपर नाउन। जैसे अशोका आगरा आगरा कॉलेज द गीता ये सब क्या है द यमुना द ब्लैक सी हिमालयाज ये सब क्या है। देखो अशोका कैन नॉट बी यूज्ड इन एवरी पर्सन, अब अशोका सब पर्सन का नाम नहीं सकता तो क्या है किसी एक पर्सन का नाम सकता है तो क्या प्रॉपर नाउन। ठीक आगरा कॉलेज अभी यूज़ किया गया कैन एवरी इंस्टीट्यूट का नाम सकता नहीं किसी एक इंस्टीट्यूट का। सिमिलरली वी कैन नॉट यूज वर्ड्स द गीता फॉर एवरी बुक, हर बुक का नहीं सकता तो गीता जो है स्पेशल जो पार्टिकुलर हो जो पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल कालिदास न्यू दिल्ली रामायण एंड द गंगास मतलब क्या गंगास दिस क्या है प्रॉपर नाउन। ठीक तो प्रॉपर और कॉमन समझ में आया जो सिमिलर टाइप के सब में पाए जाए जो कॉमन हो सिमिलर थिंग्स नेम ऑफ सिमिलर थिंग्स इज कॉमन एवरी वन इज कॉमन नाउन एंड जिन सब पार्टिकुलर स्पेशल पर्सन पार्टिकुलर उसके क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके बात है नेक्स्ट देखो ये बता रहा है क्या रिमेंबर द वर्ड्स पोएट सिटी बुक रिवर आर कॉमन नाउन। याद रखिएगा कि जो पोएट है वर्ड्स पोएट पोएट का नाम प्रॉपर में होगा मगर पोएट कॉमन नाउन सिटी का नाम जैसे कोई भी वाराणसी सिटी या कोई सिटी हो गई तो वो प्रॉपर नाउन मगर यदि सिटी ओनली सिटी लिखा है तो वो कॉमन नाउन। बुक कॉमन नाउन मगर उसका कोई बुक का नाम होगा तब वो प्रॉपर नाउन। रिवर कॉमन नाउन मगर गंगा ये सब होगा तब कॉमन प्रॉपर नाउन समझा तो ऐसे दोनों डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट सिंगुलर इन फ्रंट ऑफ बट रेफर्स टू नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन है जो सिंगुलर होता है मगर इसका ये बहुत नंबर ऑफ कलेक्शन होते हैं पर्सन के बहुत सारे पर्सन या थिंग्स का ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स दिस इंक्लूड एनिमल स्टार ये सब का एनिमल का ग्रुप वो क्या होगा कलेक्टिव नाउन। स्टार का ग्रुप कलेक्टिव नाउन जैसे फ्लॉक कमेटी फ्लॉक हो गया कमेटी हो गया आर्मी हो गया क्राउड हो गया फ्लीट हो गया गैलेक्सी सब क्या गैलेक्सी क्या है ग्रुप ऑफ स्टार तो गैलेक्सी क्या है कलेक्टिव नाउन। ठीक क्राउड ग्रुप ऑफ पब्लिक ना पीपल का पब्लिक क्राउड हो जाएगा ग्रुप ऑफ सोल्जर आर्मी ठीक ग्रुप ऑफ पर्सन कमेटी क्या हो ये सब क्या है कलेक्टिव नाउन जहाँ ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाएगा ग्रुप ऑफ पर्सन जहाँ कलेक्शन ऑफ पर्सन या थिंग्स बताया वहाँ क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक जैसे देखो क्या बोल रहा है फ्लॉक क्या इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ शीप्स एंड गोट्स और बर्ड्स से फ्लॉक बोलते हैं तो यहाँ ग्रुप है देखो बहुत सारी एक ही चीज़ों के ग्रुप हो उसी को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक जहाँ एक चीज़ों के बहुत सारे ग्रुप हो झुंड हो उसे हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कॉमेटी क्या इज अ ग्रुप ऑफ पीपल डील विथ पार्टिकुलर मैटर वो कॉमेटी हो गई। फ्लीट इज अ ग्रुप ऑफ शिप गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार सब क्या सब चीज़ें क्या ग्रुप्स हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ग्रुप उसी ग्रुप के इकट्ठे को जो बोलते हैं उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे फ्लॉक ऑफ शिप इज कॉमन साइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो फ्लॉक क्या आया कलेक्टिव नाउन। क्राउड क्या है कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या है कलेक्टिव नाउन समझा है। ठीक इन द फ्लॉक क्या बताया ना फ्लॉक क्राउड आर्मी हर्ड ये सब क्या है कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं नेक्स्ट मटेरियल नाउन। फोर्थ क्या है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज अ वर्ड रेफर्स द मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग एल्स कैन बी मेड। मटेरियल नाउन क्या है जो मटेरियल से हम कुछ भी बनाते हैं उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन। जो मटेरियल से हम कुछ बनाते हैं समथिंग मेड वो रेफर्स टू मटेरियल या सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिनसे हम कुछ अलग चीज़ बनाते हैं या समथिंग एल्स कैन बी मेड उससे बनाते हैं उन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे वुड लकड़ी से हम कुछ बनाते हैं फर्नीचर से बनाते हैं तो वुड क्या हो गया
मटेरियल अलाउंड। आयरन से हम लोग वस्तु जुड़ाते हैं, आयरन क्या हो गया मटेरियल अलाउंड। वाटर मटेरियल अलाउंड, मिल्क गोल्ड जितने भी प्रोडक्ट या थिंग्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं मटेरियल अलाउंड। ठीक, वुड आयरन वाटर मिल्क ये सब क्या है मटेरियल अलाउंड। ठीक, जिनसे हम कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं मेड करते हैं, जस्ट समथिंग एल्स कैन बी मेड उनसे बनाते हैं उन मटेरियल्स को, मैटर्स को क्या बोलते हैं मटेरियल अलाउंड। ओके आते हैं नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट बचा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट दैट सच एज फीलिंग क्वेरिंग एक्शन विच एग्जिस्ट थॉट और एज एन आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक रेफर्स करता है वो वर्ड जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हो, मतलब क्या कोई नॉन लिविंग लिविंग थिंग या लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के लिए कोई फीलिंग्स हो, एक्शन गुस्सा फीलिंग्स या एक्शन हो गए एग्जिस्ट इन थॉट एंड आइडिया, क्या विचार या कोई थॉट ड्रीम ये सब हो तो उसे क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हॉनेस्टी चाइल्डहुड सैडनेस फ्रीडम थेफ्ट जो आप आंखों से देख ना सके ना महसूस कर सके उसे क्या बोलते हैं, वो जब फील किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड बचपन बेस्ट, हैप्पीनेस थेफ्ट ये सब क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी नाउन को कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म एडजेक्टिव के फॉर्म पाए जाते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म एडजेक्टिव और किसके नाम में एडजेक्टिव फॉर्म पाए जाते हैं फॉर एडजेक्टिव एज। जैसे हैप्पीनेस यहाँ फॉर्म हैप्पी, हैप्पीनेस इसलिए आता है हैप्पी के लिए एडजेक्टिव बनाया गया। काइंडनेस फ्रॉम काइंड, तो एडजेक्टिव से बनाया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम ये क्या है एडजेक्टिव बनाया गया। ठीक, फिर देखो लाफ्टर क्या होगा, लाफ्टर फॉर लाफ अब वर्ब से बनाया जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोटेक्ट से प्रोटेक्शन, डिपार्ट से डिपार्चर ये सब क्या है वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा रहा है। ठीक, फिर अब फ्रॉम नाउन, नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस बनाया जा रहा है, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, थीफ से थेफ्ट, पेट्रियॉट से पेट्रियोटिज्म ये सब क्या है एब्स्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। फ्रॉम एडजेक्टिव से, फ्रॉम वर्ब से, फ्रॉम नाउन से। ठीक, अब बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग फ्रॉम सफिक्स फ्रॉम देम। अब देखो दो तरह के वर्ड होते हैं, एक सफिक्स मतलब आगे लग आपके आगे लगेगा वर्ड के लास्ट में लगेगा एंड में, और प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले लगेगा। तो सफिक्स की मतलब क्या वर्ड के लास्ट में लगे एंड में। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ देम वर्ड, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कुछ वर्ड इंक्लूड करके हम उसे क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग वेरियस सफिक्स। एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कुछ ही नाउन को उसमें ऐड करके हम वर्ब या चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बना सकते हैं। जैसे एबॉलिश वर्ब है, फ्रॉम वर्ब से देखो एबॉलिश वर्ब है, उसमें हम एम ई एन टी जोड़ दिए, सफिक्स क्या लगाए एम ई एन टी, वो क्या बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया एबॉलिशमेंट। एक्वायर एक्विजिशन, एडजस्ट एडजस्टमेंट क्या बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अकम्पलीस वर्ब था, वर्ब से एम ई एन टी रख दें अकम्पलिशमेंट। अचीव अचीवमेंट, अम्यूज अम्यूजमेंट, इग्नोर इग्नोरेंस। देखो अब एंस लगा के सफिक्स में एंस लगा के उस वर्ब को हम क्या चेंज कर दिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अपीयर अपीयरेंस, परफॉर्म परफॉर्मेंस, एंड्यूर एंड्योरेंस, रेसिस्ट रेसिस्टेंस, इंश्योर इंश्योरेंस ना, ये सब क्या है हम क्या कर रहे हैं क्या वर्ड्स को ऐड करके हम उनको चेंज कर रहे हैं। ऐसे क्या एम ई एन टी के चेंज किए, एंस करके ए एन सी एंड सफिक्स लगा के, सफिक्स मतलब क्या एंड में किसी वर्ड के एंड में लगा के उसे उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। जैसे आप एंस लगा के डिपेंड डिपेंडेंस क्या है डिपेंड डिपेंडेंस, इंटरफेयर इंटरफेरेंस, डिफर डिफरेंस, रेफर रेफरेंस, एडिंग ऑल एम्प्रूव एम्प्रूवल, बरी बरियल ना ब्यूरियल, फिर अराइव अराइवल, डिसमिस डिसमिसल, ए एल लगा के सफिक्स में चेंज किया रहा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एडमिट एडमिशन एस आई यू एन, कंपेल कंपल्सन, प्रोवाइड प्रोविजन प्रोविजन, डिसाइड डिसीजन। अब वाई बस लास्ट में बस वाई लगा के असेंबल असेंबली, डिस्कवर डिस्कवरी, इंक्वायर इंक्वायरी, फ्लैटर फ्लैटरी ना, फिर लास्ट में एंड में यू आर ई लगा के डिपार्ट डिपार्चर, प्रोसीड प्रोसीजर, प्रेस प्रेशर, फेल फेलियर, कैरी अब एज लगा के एजी कैरी एच
मैरी मैरिएज, पैक पैकेज, पोस्ट पोस्टेज, वेस्ट वेस्टेज, पास पासेज। यहाँ क्या किया गया है, सब्स के वर्ड में वर्ब के एंड में हम क्या एक एक सफिक्स वर्ड लगा के उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर रहे हैं। ओके अब देखो पिछले हम लोग क्या किए, हम लोग पिछले में वर्ब में सफिक्स वर्ड लगा के उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज किए। अब यहाँ क्या है, फ्रॉम एडजेक्टिव, क्या है फ्रॉम एडजेक्टिव से हम कैसे क्या फ्रॉम एडजेक्टिव से हम कैसे उसमें वर्ड सफिक्स में लगा के हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज करें। जैसे बीटर एडजेक्टिव था, उसमें एन ई डबल एस लगा दिया गया सफिक्स में, तो क्या हो गया बीटरनेस, विकेट विकनेस, बिजी बिजनेस, एगर एगरनेस, हैवी हैवीनेस, लोनली लोनलीनेस, फिर आई टी वाई लगा के एक्टिव एक्टिविटी, जेनरस जेनरसिटी, मोरल मोरालिटी, ग्रेव ग्रेविटी, सिमिलर सिमिलरिटी, क्यूरियस क्यूरियसिटी, रियल रियलिटी, रिजिड रिजिडिटी ना, ये सब एडजेक्टिव था उसमें हम आई टी वाई लगा के चेंज किया रहा है। ठीक, फिर देखो सर्टेन टी वाई लगा के सर्टेनिटी, क्रूअल क्रूअल्टी, लॉयल लॉयल्टी, रॉयल रॉयल्टी, एब्सेंट एब्सेंस, एबंडेंट एबंडेंस, डिलीजेंट डिलीजेंस, इग्नोरेंट इग्नोरेंस, पेशेंट पेशेंस, ब्रिलियंट ब्रिलियंस। क्या क्या सबसे सफिक्स वर्ड में क्या क्या चेंज किया गया, हम लोग क्या चेंज किए, क्या चेंज किए, एन ई डबल एस लगा के सफिक्स में, आई टी वाई लगा के सफिक्स में, एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में टी वाई लगा के सफिक्स में, ए एन सी ई लगा के, ई एन सी ई लगा के, ऐसे क्या फ्रॉम एडजेक्टिव में ये सब वर्ड्स सफिक्स में लगा के उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं फ्रॉम नाउन्स। अब नाउन्स में सफिक्स में कुछ वर्ड लगा के हम उसे क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज करेंगे। जैसे बॉय बॉयहुड, मैन मैनहुड, मदर मदरहुड, चाइल्ड चाइल्डहुड, ब्रदर ब्रदरहुड, गर्ल गर्लहुड, वुमेन वुमेनहुड, फादर फादरहुड। इस समय क्या नाउन में हम एच डबल ओ डी लगा के उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं। फ्रेंड फ्रेंडशिप, डिक्टेटर डिक्टेटरशिप, मेंबर मेंबरशिप, ओनर ओनरशिप, पार्टनर पार्टनरशिप, किंग किंगशिप। तो सब के सफिक्स में लगा गया, देखो सफिक्स मतलब क्या लास्ट में, सब वर्ड के लास्ट में उसको लगा के क्या किया गया है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन किए हैं। फिर आ रहा है एज, एज के हिसाब से क्या बाई एडिंग एज, जैसे बॉन्ड क्या था बॉन्ड बॉन्डेज, पेरेंट पेरेंटेज, यूज यूजेज, पिलग्रिम पिलग्रिमेज। ठीक, इस तरह हम ना बाई नाउन्स में हम सफिक्स वर्ड लगा के, जैसे क्या क्या लगाएं वर्ड हम क्या लगाएं, हुड लगा के, शिप लगा के, एज लगा के, सब लगा के हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज किया गया। नाउन्स ऑल्सो एग्रीड, अब फिर क्या बोल रहे हैं, अब तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, अब आ रहा है बोल रहा है नाउन्स ऑल्सो आर क्लासिफाइड काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जानते हैं हम काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट नहीं किया सके। काउंटेबल नाउन, नाउन्स दैट आर काउंटेड कॉल्ड काउंटेबल नाउन, कैन बी काउंटेड नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड काउंटेबल नाउन, दैट्स कैन बी अनकाउंटेड या कैन नॉट काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन ना, जो गिने जा सके उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, जो नहीं गिना सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल को कॉइन्स गिने जा सकते हैं काउंटेबल नाउन, पर्स गिने जा सकते हैं, पेपर गिने जा सकते हैं, पिंस गिने जा सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन, रिंग गिने जा सकते हैं काउंटेबल नाउन। अब वाटर ना, वाटर हो गया अनकाउंटेबल नाउन, एयर अनकाउंटेबल नाउन, सीनेस ना, जो चीज़ हम गिन नहीं सके सब चीज़ क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन। चलिए आज तक इसी यही है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो और भी बहुत सारा नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल और उसी में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हैं जेंडर ना, ये सब चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके आज तक इतना, डिक्टेटर आप ये सब जो भी जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के हैं बनाने का, फ्रॉम वर्ब, फ्रॉम एडजेक्टिव से, फ्रॉम नाउन्स से, ये सबको याद कर लीजिए। और जितना भी डेफिनेशंस है पार्ट ऑफ स्पीच के, नाउन्स क्या है, व्हाट इज़ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड व्हाट दे आर, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सबके एग्जाम्पल्स और जितनी चीज़ें हैं, ये सब कोशिश कीजिए सब याद करने की। ओके लेट, थैंक यू।